प्रेग्नेंट महिला का डिलीवरी दो तरह से होता है। पहला है सिजेरियन जो कि ऑपरेशन विधि है, वह दूसरा है नॉर्मल डिलीवरी जो कि महिला नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा करती है, वे जल्दी रिकवर हो जाती हैं। वह दूसरा है सिजेरियन विधि व ऑपरेशन विधि, इसमें महिला को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, इससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में अवश्य। पहला है योगा। प्रेग्नेंट महिला को योगा अवश्य करना चाहिए, इससे बच्चे भी स्वस्थ रहता है और माँ को नॉर्मल डिलीवरी होने की चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वह दूसरा है घरेलू काम। प्रेग्नेंट महिला को घरेलू काम अवश्य करना चाहिए, खाना बनाना और अन्य घरेलू काम आप कर सकते हैं। वह तीसरा है आप मेहनत कश काम थोड़ी मात्रा में आप कर सकते हैं, लेकिन आप 7 से 9 माह तक ना करें ये मेहनत कश काम, ज़्यादा करके आप थोड़ा मात्रा में कर सकते हैं मेहनत कश काम। वह चौथा है न्यूट्रिशन चीज़ों जो कि प्रोटीन युक्त चीज़ें होते हैं, उसका सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे में प्रोटीन से भरपूर होता है और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अधिक शक्ति मिलता है आपको, वह आपको नॉर्मल डिलीवरी होने की चांस काफ़ी बढ़ जाता है। वह पांचवा है रोज़ाना चलना। खाने के बाद आपको रोज़ाना चलना चाहिए, आपको जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति चलता है वैसे आप प्रेग्नेंट महिला को भी चलना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें व मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।